अरे अकेले क्यों बैठे रहते हो इस रूम में? लगता है आपको बहुत घमंड आ गया है। मेरे घर वालों से बात क्यों नहीं करते हो? अजीब है मेरे अपने भी, पहले मुझे बेइज्जत करते हैं और फिर मेरा बात करना बंद करने पर मुझे ही घमंडी बोलते हैं। सुनो जी। हाँ बोलो। मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अरे उसे आराम तो देती नहीं हो, और ये तो वो नहीं था। अरे ये देखो मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली फ्रेंड का मैसेज आया, आप जल्दी सी से रिप्लाई कर दो ना। तो रिप्लाई आप भी कर दो, आप भी तो पढ़े लिखे हो। कर दो। अरे पढ़ी लिखी हूँ ना मैं, पर मेरी हैंडराइटिंग इंग्लिश में अच्छी नहीं है ना। बेबी। हाँ बेबी। मैं ये साड़ी में ज्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं आप मोटी नहीं लग रहे हो। बेबी मैं इस साड़ी में ज्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं आप बिल्कुल भी मोटे नहीं लग रहे हो, और उल्टा आप तो अच्छे लग रहे हो। मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि मैं इस साड़ी में ज्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? तो मैं कौन सी फारसी भाषा में बोल रहा हूँ? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप इस साड़ी में मोटी नहीं लग रही हो। देखो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। अरे भाई मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ कि आप इस साड़ी में मोटे नहीं लग रहे हो। आप क्या बुलवाना चाहते हो? आप मोटे लग रहे हो? मैं बुलाना कुछ नहीं चाह रही हूँ, आपको ऐसा बोलना चाहिए थी मैं मोटी हूँ, कहाँ से मोटी लगूंगी। सुनो ना, आजकल सब लड़कियाँ है ना अपने पति का नाम लिखवा रही है, तो मैं भी लिखवा लूँ? हाँ लिखवा लो। अच्छा कहाँ लिखवाओ? अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। यार परसों मैंने जहाँ से सूट लिया था ना उस दुकान पर मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे इतना घटिया कपड़ा। नहीं बेबी ऐसा नहीं करते हैं। अरे आप एक बात बताओ, आप तो अगर कहीं एक जगह से धोखा मिल जाए तो क्या आप उस जगह पे दोबारा जाओगे? हाँ मैं तो जाता हूँ ना ससुराल। सुनो मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाना बना दो, किचन में जाते हैं। तुम कहीं की मार रही हो क्या कि तुम हुक्म कर दोगे और मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा? और मैं किसी के इशारों पे काम नहीं करता। जाके देखो किचन में खाना बना के तैयार रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने, गलत मत से तुम्हारा पाला पड़ गया है। सुनो सुनो जल्दी अपने काम बंद करो। क्या हुआ? वो सोसाइटी में सपेरे आए हैं, सभी नागिन को बीन बजा बजा के पकड़ रहे हैं। जल्दी से कहीं छुप जा, इस बार तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। मतलब मैं नागिन? सुनो मैं 10 तक गिनूंगी, अगर आप मेरे से नहीं बोले तो मैं जहर खा लूंगी। 1, 2, 3, 4। अरे भाई गिनती क्यों बंद कर दी, आगे की चालू तो रखो। सुपर है आप बोले, वरना तो मैं जहर खाने वाली थी। सुनो अब मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकती हूँ, मैं रोज रोज भी अपने माँ से झगड़ा करके नहीं रह सकती हूँ, मैं मेरे घर जा रही हूँ। अगर आपको मेरे साथ रहना हो तो आप अपना घर बार छोड़ के मेरे साथ मेरे घर चलिए। एक बात पूछूँ मैं आपसे? पूछो। क्या आपके घर में आपकी माँ ने आपको कभी डांटा नहीं है? डांटा है। अच्छे के लिए डांटा है या बुरे के लिए? वो मेरी माँ है तो अच्छे के लिए डांटेगी। वाह तुम्हारी माँ तो अच्छे के लिए, वैसे तो लड़कियाँ बोलती रहती है माँ के बराबर होती, लेकिन वही सास उनके अच्छे के लिए थोड़ा सा डांट दे फटकार दे तो उनको इतना बुरा क्यों लगता है? देखो ये हर घर की कहानी है, हर घर में थोड़ा तकरार थोड़ा लड़ाई थोड़ा झगड़ा होता रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। अगर आपको मेरी माँ की बात का इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इन सास बहू के झगड़े में आखिर पिसता तो आदमी ही है ना। क्यों तुम मुझे बार बार फोन करते परेशान कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है मुझे फोन मत किया करो। अरे बेबी कौन है? अरे कौन है पता नहीं यार, मुझे बार बार फोन करके परेशान करता रहता है। आप एक काम करो उसका नंबर ब्लॉक कर दो। मैंने ब्लॉक किया पर वो दूसरे नंबर से फोन करके परेशान कर रहा है। आप एक काम करो मुझे नया सिम कार्ड ही लाके दे दो। लो मैं अभी मेरे पास पड़ा है मैं चेंज कर देता हूँ। ये लो अब नया सिम कार्ड डाल दिया, अभी कोई टेंशन नहीं। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ मैंने नया सिम कार्ड ले लिया है, अब दम हो तो मुझे फोन करके बताना।